रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। महादेवगढ़ के भक्त युवाओं ने सौंपा SDM को ज्ञापन। एंकर खंडवा में पंधाना रोड पर हुए हाफिज हत्याकांड के मामले में अमित जैन और निखिल देवारे को सह आरोपी बनाया गया है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वहीं खंडवा में भी विरोध के चलते अलग अलग तहसील एवं ब्लॉक में भी ज्ञापन दिए जाने का सिलसिला जारी है। इसी तारतम में महादेवगढ़ के भक्तों द्वारा पंधाना SDM चंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध दर्ज कराया। SDM को दिए ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा महादेवगढ़ की झांकी अखंड मार्ग से निकाले जाने वाले आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा माधवगढ़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाफिज हत्याकांड एक व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई के तहत हुई हत्या है। इसमें अमित जैन और निखिल देवारे को झूठा फंसाया गया है। तो ये SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा है तो किस संबंध में सौंपा? जी, ये निखिल देवारे एवं जो अमित जी जैन है, इन पे जो झूठा केस प्रशासन द्वारा जो लगाया गया है, जो हफीज नाम के शख्स की हत्या जो हुई थी उनके संदर्भ में जो इन पे केस लगाया है, उसी के विरोध में एक यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है सर्व हिंदू समाज द्वारा, महादेवगढ़ भक्त मंडल पंधाना क्षेत्र द्वारा। आपका नाम बताइए? रोहित पटेल। आप कौन से पद पे हैं अभी? अभी हम वैसे दायित्व तो नहीं है, लेकिन महादेवगढ़ के भक्त, यही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है।